आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। नीमच में शनिवार को शनि अमावस्या के अवसर पर शहर के सभी शनि मंदिरों पर दिन भर पूजा अर्चना का दौर चलता रहा और शनि अमावस्या को लेकर मंदिर पर भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया तो देर शाम महाआरती के बाद प्रसाद वितरण भी किए गए। इस बार शनिवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या का योग भी बना है। शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या या शनिचरी अमावस्या भी कहा जाता है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या का एक ही दिन पड़ना बेहद शुभ माना जा रहा है। ये संयोग इस बार कई साल बाद बना है। इस संयोग का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की अमावस्या तिथि 30 अप्रैल शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण इसे शनि अमावस्या या शनिश्वरी अमावस्या भी कहते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से इस अमावस्या का बहुत महत्व होता है। ये दिन शनिदेव की पूजा अर्चना कर उनकी कृपा पाने के लिए श्रेष्ठ है। नवग्रहों में शनि को न्यायाधिपति माना गया है। वे मनुष्य को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष में शनि की दृष्टि और चाल बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनकी दृष्टि अनिष्टिकारक मानी गई है और शनि की चाल बहुत धीमी है। ये एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। इसके बारे में हमारे ग्रंथों में इन कथाओं का वर्णन है। आज के दिन शनि महाराज का जन्मदिन था, इसलिए शनि अमावस्या मनाई जाती है। अगले 30 मई को होगा, अगले महीने। आज तो प्रसाद बनाएंगे, महाआरती होगा शाम को 7 बजे। क्योंकि शरीर पर कष्ट होता है वो दूर होता है। तो ये था आपका अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।